राइट द हेडिंग सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? व्हेन वी इंक्रीज टेंपरेचर ऑफ मेटल रिक्वायर्ड देन इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड। ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। अच्छा, जब हम टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मेटल रिक्वायर का एलॉयज का, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। तो ये चीज है कवरली वॉल्स ने 1911 में मर्करी ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, किस साइंटिस्ट ने किया था, कवरली वॉल्स, कवरली वॉल्स साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट किया था कमरलिंग वन, कमरलिंग 1911 में इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था मर्करी पर, मतलब मर्करी का टेम्परेचर डाउन करते गए और उसका रेजिस्टेंस मेजर करते गए, तो देखा कि टेम्परेचर कम करने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू जो है बहुत कम कर देते हैं, 4.2 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 4.2 जब कर देते हैं, जैसे 6 केल्विन किया इन्होंने, चलो देखें किसकी वैल्यू 0.12 ओम था, 0.12 ओम नियर अबाउट था, 6 केल्विन पर इन्होंने 0.12 ओम नियर अबाउट पाया, ठीक है। लेकिन जब 5 ओम कर दिए तभी नियर अबाउट 6.12 था, मैंने थोड़ा कम था, मैंने वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू है 4.2 कर दिया, नियर अबाउट 4.2 कर दिया, तो ये देखें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सडनली जीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस वैल्यू सडनली क्या हो जाती है, जीरो। इधर देखिए, बट टेम्परेचर आप वापस बिकम्स 4.2 केल्विन देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बिकम जीरो इफ रेजिस्टेंस डिसअपीयर, इस रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। तो ये फिनोमेना, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का नाम इन्होंने क्या रखा, ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का नाम इन्होंने क्या रखा, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। और इस फिनोमेना का नाम इन्होंने क्या रखा, इस टेम्परेचर का नाम ट्रांजिशन टेम्परेचर, और इस फिनोमेना का नाम इन्होंने क्या रखा, सुपर कंडक्टिविटी। इसे क्या रखा इन्होंने, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस जीरो हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो आई को क्या होता है, बी एम आर होता है, जब रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो गया तो आई का मान क्या होगा, बताओ, इनफाइनाइट हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा, हाँ वेट, आई का मान इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत मानी इनफाइनाइट लार्ज अमाउंट में करंट बहेगा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज हटा दें, इन्होंने देखा कि अगर हम वोल्टेज हटा देते हैं तब भी उसमें करंट बहते रहे, ठीक है, अगर आप वोल्टेज हटा दीजिए तब भी इसमें करंट है लॉन्ग टाइम तक बढ़ते हैं। तो सुपर कंडक्टिव में, कंडक्टिविटी में क्या होता है, रेस्ट टेम्परेचर ऑफ मेटल रिक्वायर्ड डिक्रीजेस ना, देन फॉर सर्टेन मेटल्स लाइक मर्करी, टिन, लेड, कुछ मेटल ऐसे हैं जो इसको होल्ड करेंगे, तो जैसे इसमें आता है मर्करी है, टिन है, लेड है, ये सब आएगा इस कैटेगरी में, कौन आता है, मर्करी, मर्करी, टिन, लेड, ठीक है। अच्छा, जो गुड कंडक्टर है उनमें ये नहीं होल्ड करेगा, गुड कंडक्टर जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, ये सब नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। ये जो है जो अच्छे कंडक्टर नहीं है उसमें होल्ड करता है, लाइक मर्करी,
मरकरी है, टिन है, लेड है और एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी इसी में आएगा, एल्युमिनियम और कैडियम, कैडियम इसमें आएगा, कैडमियम, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है। सो दीज आर दी मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका के टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या होता है, एक सर्टेन लोएस्ट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इनका रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाता है, क्या हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इनमें जो है इनफाइनाइट करंट, लार्ज अमाउंट में करंट बह रही है, लार्ज अमाउंट में करंट बह रही है, और इट बी रिमूव द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज रिमूव कर दें तब भी इसमें लॉन्ग टाइम तक करंट बहती है, बिना किसी वोल्टेज के भी करंट इतना लॉन्ग टाइम करंट पूरा करती है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर है ना, जैसे मरकरी, टिन, लेड, कैडमियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है बताओ, सुपर कंडक्टर, क्या है, सुपर कंडक्टर। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है, ये फिनोमेना क्या कहलाती है, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज़ सुपर कंडक्टिविटी, ये फिनोमेना सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। और जिस टेम्परेचर पर फिनोमेना होती है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑन मरकरी, मरकरी का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑन मरकरी, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी, मरकरी का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है आप देख रहे हैं 4.18 या 4.2 केल्विन, नियर अबाउट 4.2 केल्विन, ठीक है। इस टाइप से टिन है तो टिन का सुपर ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है, 0.01। मटेरियल लिख लीजिए, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन देखें। तो जैसे सुपर कंडक्टर्स में आपके कुछ मेटल्स हैं, जैसे टंगस्टन है, कैडमियम है, एल्युमिनियम है, टिन है, मरकरी है, लेड ना,
तो अगर ये कंडक्टर के जैसे टंगस्टन वायर का टेम्परेचर अगर 0.01 केल्विन कर दीजिएगा तब जो है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा तो करंट वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट है, मैंने मैक्सिमम करंट रहेगी। इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम करंट रहेगी, बहुत ज़्यादा करंट रहेगी, लार्ज अमाउंट में करंट रहेगी, है ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में जब करंट रहेगी, अगर हम इस केस में जो है वोल्टेज हटा दें तब इसमें करंट बहते रहेगी। वोल्टेज की कोई जरूरत नहीं है, वोल्टेज देने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप इसमें करंट फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से कैडियम है, कैडियम का टेम्परेचर अगर 0.5 करेगा तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1.19 कर दीजिए, ये सुपर कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और टिन का 3.7 कर दीजिए, मर्करी का 4.2, लेड का 7.2, अगर ये टेम्परेचर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको कोई अलग से बैटरी देने की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है आपके एक बार करंट फ्लो कर दीजिएगा इस टेम्परेचर पर, इसमें जो है करंट बहती रहेगी हमेशा, ठीक है। आपके किसी भी बैटरी या किसी भी एक्सपेरियंस की जरूरत नहीं, किसी भी खर्चे की जरूरत नहीं है, बैटरी लगाइए खर्चा पड़ेगा, इसमें कोई खर्चा नहीं देना। खाली एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए और टेम्परेचर जो है जैसे टिन है 3.7 केल्विन कर दीजिए टेम्परेचर, है इसमें करंट जो है इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता रहेगा। अगर 3.7 कर दीजिएगा, टिन का टेम्परेचर 3 केल्विन कर दीजिए तो 100 एम्पीयर करंट टिन वायर में बढ़ेगा, कितनी करंट आएगी, 100 एम्पीयर, ठीक है। 100 एम्पीयर की करंट आपको मिलेगा, आप जो इनफाइनाइट है लॉन्ग टाइम तक जो है 100 एम्पीयर की करंट से लेते, इसका यूज कहाँ करते होते जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने में किया जाता है, इसका जो भी जो है करंट का डिमांड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड कम हो जाता है, तो जो बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है वो इसी वायर में स्टोर कर देती है, जब डिमांड बढ़ता है तो करंट सप्लाई कर देती है, इससे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। इससे एनर्जी स्टोर रहती है और जब डिमांड बढ़ता है तो ई एनर्जी आप यूज करते हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, बताइए। 8 डिग्री के टेम्परेचर आप सर्टेन मेटल्स, ये सब में नहीं वोट करेगा, उसी मेटल में वोट करेगा, लाइक टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, मर्करी, लेड एक्सेट्रा। जैसे गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर में नहीं वोट करेगा, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब में नहीं वोट करेगा। आप टेम्परेचर चाहे जितना कम कर दीजिएगा सुपर कंडक्टिविटी की बहुत सर स्टेट में, उसी मेटल में सुपर कंडक्टिविटी मिलती है। इसकी हमने सबसे पहले किसने देखा था, कॉपर ने वंस 1911 में देखा था, इन कॉपर मर्करी किसने देखा था, मर्करी देखा था, उसके बाद बहुत सारे मेटल देखे गए जिसमें कि सुपर कंडक्टिविटी के सुपर कंडक्टिविटी स्टेट मिलता है, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, मर्करी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ मेटल रिक्वायर देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, देर आर सम सर्टेन मेटल्स लाइक टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, मर्करी, लेड एक्सेट्रा, व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप टू सर्टेन वैल्यू देन देयर रेजिस्टेंस बिकम जीरो, उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू देयर वायर्स, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर नोन एज सुपर कंडक्टर, ये मेटल क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, ये फिनोमेना क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। एंड दिस टेम्परेचर एट व्हिच टेम्परेचर एट व्हिच फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी अकर, इन्होंने ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ना। तो देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर पार्ट टेम्परेचर क्या है, 0.01 केल्विन है, कैडमियम के लिए 0.56 केल्विन है, एल्युमिनियम के लिए 1.19 केल्विन है, टिन के लिए 3.7 केल्विन है, मर्करी के लिए 4.2 केल्विन है, लेड के लिए 7.2 केल्विन है, ठीक है। चलिए चलिए राइट, ये चार्ट बना लिया है, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा लिख लिया है, ओके।
ये सब लिख लेना एक बार, है छोड़ भी देता लो देख। चलिए आप इसके डेप्शन लिखिए, अब इसके डेप्शन लिख लीजिए। ये सुपर कंडक्टिविटी के बिना सबसे पहले किसमें पाई गई है? मेटल्स इन विच सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड, नेम ऑफ मेटल इन विच सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड। किस मेटल में सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले मिली है? मर्करी। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? कॉमनली वंस ने किया था। कब किया था? 1900। सुपर कंडक्टिविटी क्या होगा? इन सर्टेन मेटल्स, इन सर्टेन मेटल्स, इन सर्टेन मेटल्स लाइक कौन से मेटल्स में सही लाइक कौन कौन से एग्जाम्पल बोलिए मैं कौन कौन है कौन सी मेटल लिखा है? टेम्परेचर भी मेटल होता है, देख लीजिए अभी दो हाथ मार दे इसको। कैडमियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी टेम्परेचर है क्या? एल्युमिनियम, कैडमियम, एल्युमिनियम और उसके बाद टिन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद without any voltage.
ऊपर का रेडीमेड transmission temperature क्या बोलता है transmission temperature ठीक है ना तो what is super conductivity फिर समझ लीजिए उस super conductivity क्या होती है बताओ in certain metals like टंगस्टन कैडियम एल्युमिनियम टिन मर्करी लेड एक्सेट्रा ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस बिकम जीरो रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन वायर विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ वोल्टेज दिस कंडक्टर्स आर नोन एज सुपर कंडक्टर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी and temperature at which superconductivity in metallic wire occur is known as transition temperature kya kehlata hai transition temperature kehlata hai theek hai to ye cheez note kar lijiye aur transition temperatures for certain metals humne batai diya jaise aapka tungsten ke 0.01 kelvin hai copper ke liye kya hai batao copper ke liye 4.2 hai लेड के लिए 7.2 केल्विन है ना उस मेटल के लिए हमने बता दिया इसको लंच कर लीजिए ठीक है तो इसका कॉमर्शियल यूज क्या है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनी वोल्टेज